नमस्कार पटना। क्लास 10th के बच्चों का रिजल्ट, आईसीएसई वाले बोर्ड बच्चों का रिजल्ट आउट हो चुका है। अब बच्चों और पेरेंट्स के दिमाग में जो प्रॉब्लम होता है, जो स्ट्रेस इस बात का रहता है कि सर अच्छा विद्यालय कौन सा है और नामांकन कैसा होगा, जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं संत कैरेंस हाई स्कूल के बारे में, पूरा माइक्रो डिटेलिंग होगा। ये विद्यालय बहुत ही अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन पटना बिहार है। कितने परसेंट वाले बच्चों का नामांकन सीधे तौर पर इसमें होता है, कितने परसेंट वाले बच्चों का नामांकन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे होता है, फॉर्म फील क्या है, और पूरा माइक्रो डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो लंबा तो होगा बट आपके लिए 100% इन्फॉर्मेशन लेके आएगा यह वीडियो। शॉर्ट टर्म में हम बात करें तो जो फी है, रजिस्ट्रेशन फी, यहाँ पे दो तरीके से चार्ज किया जाता है। जो संत कैरेंस के स्कूल के बच्चे हैं, संत कैरेंस कॉलेज के स्कूल के बच्चे हैं, संत कैरेंस हाई स्कूल के बच्चे हैं, और संत कैरेंस जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है उनके लिए हम बात करने वाले हैं। जो संत कैरेंस हाई स्कूल, संत कैरेंस कॉलेज हाई स्कूल से पास आउट की है उनके लिए ₹100 शुल्क रखा गया है, जो कि है रजिस्ट्रेशन चार्ज। और जो इस विद्यालय से नहीं पढ़े हैं, संत कैरेंस हाई स्कूल से पढ़े हैं या संत कैरेंस से बाहर यानी संत कैरेंस स्कूल के बच्चे नहीं हैं, उनका जो चार्जेस देना होता है वो ₹1000 आपको वहाँ पे करना होगा। फॉर्म फिल करने के समय बोथ पेरेंट्स को वहाँ पे आना होगा। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोली यहाँ पे दी गई है कि ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फॉर्म को सलीके से पढ़ ले, बच्चों पर कोई प्रेशराइज नहीं करना है कि आप ही फॉर्म फिल करें। उसके बाद वहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं कि अगर पेरेंट्स किसी भी तरीके से बच्चे के फिजिकली और मेंटली डिसेबिलिटीज़ को छुपाने का प्रयास करेंगे एडमिशन के समय, जो कि बच्चों के लिए क्रॉनिकल डिजीज़ हो सकते हैं, जो बच्चों को अगर क्रॉनिकल डिजीज़ हो और बच्चे उसको पेरेंट्स छुपाना चाहते हो, पेरेंट्स अगर छुपा रहे हैं उसको एडमिशन के लिए, अपने बच्चों के नामांकन के लिए, तो ये चीज़ें कुछ ना कुछ बैड इम्पैक्ट डालेंगे और उनका नामांकन हो सके तो ना हो पाए संत कैरेंस हाई स्कूल में। इसका पूरा माइक्रो डिटेलिंग हम करने वाले हैं, कैसे क्या चीज़ चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है इसमें कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन आपको लेके जाने हैं वहाँ पे एट ए टाइम ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के दिन सारे बच्चों को, जो बच्चे वहाँ पर नामांकन लेना चाहते हैं, उनको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन लेके जाना है फॉर्म फिल करने के समय। तो ये चीजें हैं, अगर एक चीज भी मिस हो जाए तो शायद आपका नामांकन पटना के अच्छे विद्यालयों में ना हो पाए। ये वीडियो चपक के देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर द क्लास 11th स्पेशल वीडियो। एंड इफ यू वांट टू बी इन द पटना टॉप स्कूल, हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन, इसको भी हम कवर करने वाले हैं अपने वीडियो के माध्यम से। तो मिलते हैं, लेट्स साइन इन आवर फर्स्ट पार्ट। कैरेंस हाई स्कूल, जो कि वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्कूल है फॉर द बॉयज एज वेल एज द गर्ल्स, जो पहले ही हम लोगों ने बता लिया था, एक बार फिर से देख लिया जाए। ₹1000 चार्जेस है SKSS संत कैरेंस स्कूल वाले बच्चों के लिए, और संत कैरेंस के जो अदर्स बच्चे हैं, जो अदर स्कूल के बच्चे हैं, संत कैरेंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ₹1000 फीस है रजिस्ट्रेशन फी, और ₹100 चार्जेस है संत कैरेंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, संत कैरेंस हाई स्कूल और संत कैरेंस कॉलेजिएट स्कूल के वाले बच्चों के। फॉर्म जो है वो 2 तारीख से मिल रहा है, फॉर्म जाके ले सकते हैं। और जो हमारी बात बताई गई यहाँ पे, वही चीज़ें साफ साफ लिखी गई हैं कि बोथ पेरेंट्स आर मैंडेटरी, और कोई भी चीज़ें हो तो उस पर ध्यान से एक बार देख लेना है। मेन बात हम वाले हैं कि कितने वाले परसेंट वाले बच्चों का नामांकन डायरेक्ट होगा, कितने परसेंट वाले बच्चों का नामांकन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा। तो संत कैरेंस हाई स्कूल PCM और PCB जो ऑफर कर रहा है, इसमें 75% अगर आप संत कैरेंस से आपने पास आउट किया है, अगर आपका 75% मार्क्स है मैथ्स एंड साइंस में ओवरऑल के बाद, 75% मार्क्स अगर आपका मैथ्स एंड साइंस में है, तो आपका एडमिशन नामांकन डायरेक्ट होगा संत कैरेंस अगर आप पास आउट है तो। अगर आप अदर स्कूल से पास आउट है तो आपको 80% मार्क्स आना होना चाहिए, तभी आपका क्लास 11th में डायरेक्ट एडमिशन होगा। कॉमर्स स्ट्रीम अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं, अगर आप संत कैरेंस विद्यालय से पास आउट हो, 70% मार्क्स आपको लाना होता है, अगर आप अदर स्कूल से है तो 75% मार्क्स आपको गेन करना होगा अलॉन्ग विथ इंग्लिश मैथ्स एंड SST, यानी ओवरऑल तो 75% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, तीन विषयों को मिलाकर भी, सपोज इंग्लिश मैथ्स एंड SST, यानी 300 में आपका 70% मार्क्स चाहिए, यानी एटलीस्ट आपका जो मार्क्स है वो 210 आना चाहिए। अगर तीनों विषय मिला के इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं, देन यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म्स फॉर द कॉमर्स स्ट्रीम फॉर डायरेक्ट एडमिशंस। अगर आपने संत कैरेंस से अपना एग्जामिनेशन पास आउट किया है और आप अदर स्कूल से पास किए तो आपको 75% मार्क्स लेके आना होगा ओवरऑल एज वेल एज इंग्लिश मैथ्स और SST में। अगर ह्यूमैनिटी ऑप्ट करना चाहते हैं आप, तो 70% मार्क्स आपको ओवरऑल आना चाहिए, 70% मार्क्स आपको इंग्लिश और SST में आना चाहिए, जो कि होता है 200 में 70% अगर हम निकालने का प्रयास करें तो ये हो जाएगा 140 नंबर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके ऊपर है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं कहीं से भी, अगर आपने 10th पास आउट किया है। पूरे बिहार के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं पटना के किसी भी विद्यालय में, जो कि बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है। 75% मार्क्स आप अगर आप लाती हैं, दैट अगर आप अदर स्कूल से हैं अलॉन्ग इन इंग्लिश एंड SST, तो आपका नामांकन ह्यूमैनिटी के
ग्रुप में संत कैरल्स में हो सकता है। अब हम बात करेंगे कैटेगरी टू वाले बच्चों के बारे में, जिनका नामांकन एडमिशन के बेसिस पे होता है, जिनका मार्क्स कुछ कम होता है क्लास टेंथ में, उन बच्चों के लिए है। अगर आप पीसीएम पीसीबी ऑप्ट करना चाहते हैं तो 60% 65% मार्क्स संत कैरल्स वाले बच्चों का है तो उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। 65% मार्क्स ओवरऑल एज वेल एज साइंस और मैथ्स में है तो उनको PCM और PCB के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। अगर आप अलग स्कूल से हैं और साइंस और मैथ्स में आपका 70% मार्क्स है तब भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट करना चाहती हैं 61% मार्क्स संत कैरेंस वाले बच्चों के लिए है, और उससे अगर आप संत कैरेंस से पास आउट नहीं है तो आपको 65% मार्क्स आना चाहिए इंग्लिश में मैथ्स में सिस्टी में, तभी आप कॉमर्स ऑप्ट कर सकते हैं या कर सकती हैं। और ह्यूमैनिटी की बात की जाए संत कैरेंस हाई स्कूल में बच्चों का नामांकन के लिए 61% मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आपको ह्यूमैनिटीज मिल सकता है, बट एंट्रेंस आपको देना होगा। अगर अदर स्कूल की बात की जाए तो 65% मार्क्स अगर आपका आए हुए बोर्ड एग्जामिनेशन में एज वेल एज ओवरऑल मार्क्स और एवरेज मार्क्स एंड इंग्लिश और एसएसटी में भी 65% मार्क्स आपका आए हुए हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन से ही वहां पे एडमिशन नामांकन मिलेगा। अब हम बात करें कि सर फी स्ट्रक्चर क्या है। फी स्ट्रक्चर यहां पर कोई डिटेल नहीं दिया गया है, बस दिया गया है फीस टू बी पेड इन टू इंस्टॉलमेंट। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हाँ है, रिकमेंडेड बाय टू काइंडली कॉन्टैक्ट MS गणेश राम यूटिलिटी सर्विस प्राइवेट एजेंसी के थ्रू। यहाँ पे बसेस चलाई जाती हैं और उसी के आधार पर आप उनसे बात करके अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को फिक्स कर सकते हैं। क्लेम जो करते हैं एडमिशन करवा देंगे इनसे बच के रहे, जो कि इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दी गई है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे निकल के आई है कि सर कैसे होगा नामांकन, कैसे क्रैक करें एग्जामिनेशन, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप जाकर हमारे फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। PDF वहाँ पर दिया रहता है जहाँ पर आप डाउनलोड करके आपको कॉमर्स ह्यूमैनिटी PCM PCB के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। और फॉर्म फिल करने की बात है तो फॉर्म फिल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो निकल के आती है ये है आप किस स्कूल से आप पास किए हैं, संत कैरेंस हाई स्कूल, संत कैरेंस कॉलेजिएट स्कूल, संत कैरेंस सेकेंडरी स्कूल और अदर स्कूल से ये चीज़ें आप दे सकते हैं। एडमिशन नंबर आपको देना होता है किस 11th क्लास के लिए, तो एप्लीकेंट का नेम यहाँ देना है, ध्यान से दे दें यहाँ पर स्टूडेंट पार्टिकुलर्स, यहाँ पर एप्लीकेंट्स पार्टिकुलर में पापा या मम्मी का नाम यहाँ पर देना है, ईमेल आईडी भी वहाँ का देना है आपको अच्छे से, कॉन्टैक्ट नंबर आप दे सकते हैं, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ फिल कर सकते हैं, डॉट बर्थ अपना फिल करना है आपको, कहाँ आपका है, क्या जेंडर है आपका, किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, कौन सी कैटेगरी है आपकी, जनरल हैं OBC हैं SC हैं ST हैं, नेशनलिटी क्या है आपका, मदर टंग क्या है, इस पर भी ध्यान देना है, रेसिडेंशियल एड्रेस भी आपको यहाँ पर देना है। अगर आपका दोनों का सेम है तो यहाँ पर सेम एज द रियल रेसिडेंशियल एड्रेस पर क्लिक करके आप इन चीज़ों को दे सकते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ स्टेइंग एट लोकल एड्रेस, कितने दिनों से आप लोकल एड्रेस पे रहते हैं, ड्यूरेशन ऑफ स्टेइंग एट लोकल एड्रेस ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और लोकल एड्रेस डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल, चूँकि होता यह है कि प्रेफरेंस दिया आता है, सपोज कीजिए आपका डिस्टेंस विद्यालय से कम दूरी पे है तो ऐसे बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाता है। सपोज कीजिए आपका घर और स्कूल में मिनिमम डिस्टेंस है 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, तो इन बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाएगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे। तो अगर आपका जो रियल डिस्टेंस है वही दे, इस चीज़ को छुपाने का प्रयास ना करें क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर चीज़ें छुपाई जाए तो। उसके बाद लास्ट स्कूल डिटेल आपको देना है, लास्ट स्कूल का नाम क्या है, एफिलेटेड किससे है, CBSE से था कि ICSE बोर्ड से था, मीडियम क्या था, एड्रेस, ये चीज़ें आपको तरीके से देनी है यहाँ पे। फादर डिटेल आपको देना है, मदर डिटेल सब सेम होता है, एनुअल इनकम, मदर इनकम, प्रोफेशन क्या है मदर का फादर का, डिजाइनेशन, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, अगर कोई गार्जियन है तो जरूर दे, अगर सिबलिंग कोई पढ़ता है वहाँ पे तो दे, या ना था ना नो पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करें और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म फिल करने की चीज़ें यहाँ पे पूरी मिल जाएगी। उसके बाद आपको 1000 रुपीज़ UPI से भी पे करने का ऑप्शन मिलता है और आप नॉर्मल तरीके से भी डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो निकल के आती हैं, बहुत सारे पेरेंट्स बहुत सारे बच्चों के का सिर दर्द है नामांकन लेना, और हमारा प्रयास है कि हमारे वीडियो के माध्यम से आपको कुछ हद तक सहूलियत पहुंचाया जा सके। अगर हमारे वीडियो से आप कुछ हद तक भी सहूलियत प्रदान कर पाते हैं या मिल पाता है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बिहार में बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका नामांकन इस मूलभूत सूचनाओं के अभाव के कारण उनका नामांकन पटना के अच्छे विद्यालयों में नहीं हो पाता है। तो हमारा एक मकसद है कि बिहार के जन जन तक शिक्षा की जो ज्योति जलाई जाए, और इसमें आपका योगदान बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद, जय भारत।